अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आए तेंदुए ने सबकी नींदें हराम कर रखी थी। इसी बीच अब एक बाघ ने दस्तक दे दी है। एक घर और उसके चारों तरफ खेत, खेतों में हजारों की भीड़, लेकिन सबकी सांसें अटकी हुई, हर पल खतरे की आहट। लेकिन इसी बीच एक बाघ बड़े ही इत्मीनान से टीन शेड पर बैठा तमाशा देखता रहा। इस टीन शेड के ऊपर बाघ करीब 6 घंटे यूं ही बैठा रहा। इन सब के बीच वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाती रही। 11:30 बजे बाघ ने जैसे ही टीन शेड पर चहलकदमी की तो टीन टूट गई और वो नीचे आ गिरा। इसके बाद उसने वन विभाग को खूब छकाया। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर सहावर रोड स्थित गांव नगला समल में बाघ घूमने की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई है और दिन चढ़ते के साथ ही भारी भीड़ एकत्रित हो रही है। इस बीच बाघ को कोई परवाह नहीं है, वो बिना टेंशन के आराम कर रहा है। दहशत इतनी थी कि शुरुआत में दूसरे जिलों की टीम नहीं पहुंच पाई थी, तब तक स्थानीय टीम की सांसें तो अटकी हुई थी। 11 बजे तक वन विभाग के कई शूटर ट्रंकलाइजर गन लेकर पहुंचाए, तब बाघ को पकड़ने की कवायद शुरू की गई। नजर उठाते ही भगदड़ मच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जब तेज किया गया तो जिस टीन शेड के अंदर बाघ गिरा था उसके चौतरफा एक बार फिर से जाल से पूरा घेरा कवर कर दिया गया। कोने में बैठे शूटर ने पूछा कि निशाना साधने में कितनी देर क्यों हो रही है, तो उनका कहना था कि बाघ अंदर मूवमेंट कर रहा है, निशाना अगर चूक गया तो बाहर निकलकर भागेगा और भारी भीड़ जमा है, ऐसे में खेतों में भी जा सकता है, जिसके बाद खतरा और बढ़ सकता है। काफी कवायतों के बाद करीब 2:30 बजे सटीक निशाना लगा और बाघ बेहोश हो गया। हालांकि फिलहाल वन विभाग ने इस बाघ को पकड़ लिया है, लेकिन लगातार इस तरीके से जंगली जानवरों का शहर में आना खतरा बढ़ा देता है, लोगों में डर का माहौल भी बढ़ जाता है। जब लखनऊ में तेंदुआ घुस आया था तो काफी दहशत का माहौल था। रात हो या दिन, घर से बाहर निकलने में लोगों को डर सता रहा था।